मैं जाफर खान, आप लोग देख रहे हैं अमान टेकवर्ड। आज हम आप सभी लोगों के इस वीडियो में बताएंगे कि अगर सऊदी एयरलाइंस का टिकट आपको बुक करना है तो आप किस तरीके से बुक करेंगे। और बहुत ही आसान है, सऊदी एयरलाइंस का जो सिस्टम है बहुत ही इजी सिस्टम है। आप एक बार उसकी प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे टिकट की, उसके बाद में आप पेमेंट, अगर आपके पास वीजा कार्ड है तो आप उससे पेमेंट कर दीजिए, नहीं है तो आप एटीएम पे जाइए या बैंक में जाइए, आप वहां से पेमेंट कर दीजिए उनकी। उसके बाद में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा टिकट का। आप किसी भी ऑफिस में, उनकी जो ऑफिशियल ऑफिस है वहाँ पे जाके वो स्लिप दिखाएंगे और आपको टिकट प्रिंट आउट करके दे देंगे, या फिर आपके पास टिकट नंबर है वो, उसके बाद में आपको कुछ ज़रूरत नहीं। सऊदी एयरलाइंस में टिकट नंबर है बहुत है, उसी से आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी लोगों को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, यस, पासपोर्ट अवेलेबल है। चलिए ओके करते हैं। इशू कहाँ से हुआ है वो आपको डालना है, और एक्सपायरी डेट कब है ये आपको डालना है। ओके, बाकी यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं इसे ही डाल दे रहा हूँ जो। ओके, यहाँ पे स्टार साइन लगा हुआ है उसमें आपको फिल करना ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको डालना ज़रूरी है, ज़रूरी है यानी ज़रूरी है, नहीं डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप चाहें कि हमेशा यही सेट रहे तो आप यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू। अब ऑप्शन आएगा आपको सीट सेलेक्ट करने का, कि आप अपनी मनचाही सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट एंड एक्स्ट्रा। उसके साथ में अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप बैगेज भी इसी टाइम पे ही सेट कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर आपको लगेज ज़्यादा ले जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड बैगेज, अगर आपको बैग ज़्यादा, लगेज ज़्यादा लेके जाना है, यहाँ पे ऐड बैगेज कर दीजिए। और इस पे आपको 391 रियाल ही पेड करना पड़ेगा टिकट के साथ में। अगर आप जाके वहाँ पे एयरपोर्ट से आप पे करते हैं तो 500 रियाल पड़ेगा। यहाँ पे 40% का ऑफ़र है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 40% फ्राम एयरपोर्ट प्राइस। यू कैन परचेज एक्स्ट्रा बैगेज नाउ एंड सेव अप टू 40% फ्राम एयरपोर्ट प्राइस। आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरपोर्ट से आप परचेज करेंगे तो 500 कुछ रियाल का पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट माय सीट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में जो सीटें वाइट वाली हैं ये खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी खाली है। तो आप यहाँ से चाहें ये, चलिए 45 सेलेक्ट कर लेते हैं, हाइल टू रियाद है। और यहाँ पे जो डॉलर साइन बना हुआ है ये सारी पेड सीटें हैं, यानी बिजनेस क्लास की सीटें हैं, ये भी बिजनेस क्लास की सीटें हैं, और ये सीटें सारी बुक हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीटें बुक हैं, सीटें खाली कितनी हैं, एक ये सीट खाली है और दो दो चार एक पाँच 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 दो सात एक आठ सीट खाली हुई हैं, और यहाँ पे सीटें खाली हैं, पूरी ये सीट खाली हुई हैं जो कि फिल नहीं है, लेकिन ये पेड सीट है, यानी कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा उसका एक्स्ट्रा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से ही सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए ओके, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कंफर्म। ओके, आगे कंटिन्यू पे।
अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाउ कर दीजिए। यहाँ पे अगर वीजा कार्ड है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, मास्टर कार्ड उससे पेमेंट कर दीजिए, अमेरिकन एक्सप्रेस उससे। सद्दात सद्दात का ऑप्शन ये है कि आप जो है सद्दात बिल से या सद्दात अकाउंट जब एटीएम पे जाएंगे तो आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आज फरवरी कितना है, 3 फरवरी है, 9 बजे तक अवॉइड कैंसिलेशन, यानी सुबह आज 2 फरवरी है, यानी 3 फरवरी तक सुबह 9 बजे तक ही ये कल शाम तक यानी सीमित रहेगा शायद, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका टिकट है तो अगर चाहते हैं आप टिकट बुक करना तो यहाँ से आई हैव रीड एंड सबमिट पेमेंट, यहाँ से आप करेंगे तो आपकी जो है ईमेल पे एक मेल आ जाएगी जो ऑप्शंस होगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, एटीएम पे जाके क्या कोड डालना है और क्या नंबर डालना है, वो आपको इशू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2017 को आपने बुक किया है, ये आपका रेफरेंस नंबर है, और यहाँ पे 3 फरवरी 2017 यानी 9 बजे तक आपको पेमेंट करना है। इनका जो सद्दात बिल कोड है वो 022 है, और रेफरेंस नंबर आपको ये जो अकाउंट पे जो बिल पेड करना है ये नंबर आपको डालना है। ओके तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके यस, पासपोर्ट अवेलेबल है, चलिए ओके करते हैं। K87 3922 7 3922 7। इशू कहाँ से हुआ है वो आपको डालना है, और एक्सपायरी डेट कब है ये आपको। ओके बाकी यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर से डालना है, यहाँ पे पिन कोड, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, तो मैं इसे ही डाल दे रहा हूँ जो। ओके यहाँ पे स्टार साइन लगा हुआ है उसमें आपको फिल करना ज़रूरी है, ये आप ध्यान रखिए। यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपको डालना ज़रूरी है, ज़रूरी है यानी ज़रूरी है, नहीं डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर आप चाहें कि हमेशा यही सेट रहे तो आप यहाँ पे रिमेंबर कर सकते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू। अब ऑप्शन आएगा आपको सीट सेलेक्ट करने का कि आप अपनी मनचाही सीट सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सीट एंड एक्स्ट्रा। उसके साथ में अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप बैगेज भी इसी टाइम पे ही सेट कर सकते हैं यहाँ पे, कि अगर आपको लगेज ज़्यादा ले जाना है यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐड बैगेज, अगर आपको बैग ज़्यादा लगेज ज़्यादा लेके जाना है यहाँ पे ऐड बैगेज कर दीजिए, और इस पे आपको 391 रियाल ही पेड करना पड़ेगा टिकट के साथ में। अगर आप जाके वहाँ पे एयरपोर्ट से आप पे करते हैं तो 500 रियाल पड़ेगा, यहाँ पे 40% का ऑफ़र है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 40% फ्रॉम एयरपोर्ट प्राइस, यू कैन परचेज एक्स्ट्रा बैगेज नाउ एंड सेव अप टू 40% फ्रॉम एयरपोर्ट प्राइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं एयरपोर्ट से आप परचेज करेंगे तो 500 कुछ रियाल का पड़ता है। ओके अब यहाँ पे सीट सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट माई सीट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बीच में जो सीटें वाइट वाली हैं ये खाली पड़ी हुई हैं, यहाँ पर भी खाली है, तो आप यहाँ से चाहें ये चलिए 45 सेलेक्ट कर लेते हैं, हाइल टू रियाद है, और यहाँ पे जो डॉलर साइन बना हुआ है ये सारी पैड सीटें हैं यानी बिजनेस क्लास की सीटें हैं, ये भी बिजनेस क्लास की सीटें हैं, और ये सीटें सारी बुक हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सीटें बुक हैं। सीटें खाली कितनी हैं, एक ये सीट खाली है और दो दो चार एक पाँच 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 दो सात एक 8 सीट खाली हुई हैं, और यहाँ पे सीटें खाली हैं पूरी, ये सीट खाली हुई हैं जो कि फिल नहीं है, लेकिन ये पैड
पेड सीट है, यानी कि आपको पेमेंट देना पड़ेगा उसका एक्स्ट्रा। तो अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप यहाँ से ही सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए ओके, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से कंफर्म। ओके आगे कंटिन्यू पे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे नाउ कर दीजिए। यहाँ पे अगर वीजा कार्ड है तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, मास्टर कार्ड उससे पेमेंट कर दीजिए, अमेरिकन एक्सप्रेस उससे। सद्दात सद्दात का ऑप्शन ये है कि आप जो है सद्दात बिल से या सद्दात अकाउंट, जब एटीएम पे जाएंगे तो आप वहाँ पे पेड कर सकते हैं। आज फरवरी कितना है, 3 फरवरी है, 9 बजे तक अवॉइड कैंसिलेशन, यानी सुबह आज 2 फरवरी है, यानी 3 फरवरी तक सुबह 9 बजे तक ही ये कल शाम तक यानी सीमित रहेगा शायद। उसके बाद में ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे आपका टिकट है। तो अगर चाहते हैं आप टिकट बुक करना तो यहाँ से आई हैव रीड एंड सबमिट पेमेंट, यहाँ से आप करेंगे तो आपकी जो है ईमेल पे एक मेल आ जाएगी जो ऑप्शंस होगा कि आपको पेमेंट कैसे करना है, एटीएम पे जाके क्या कोड डालना है और क्या नंबर डालना है, वो आपको इशू हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 फरवरी 2017 को आपने बुक किया है, ये आपका रेफरेंस नंबर है, और यहाँ पे 3 फरवरी 2017 यानी 9 बजे तक आपको पेमेंट करना है। इनका जो सद्दात बिल कोड है वो 022 है, और रेफरेंस नंबर आपको ये जो अकाउंट पे जो बिल पेड करना है ये नंबर आपको डालना है। ओके तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे हम आप सभी लोगों के लिए इसी तरीके की वीडियो लेकर आने वाले हैं, और ताकि आप सभी लोगों को पता चलता रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।